हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन विद अनदर ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं मेरे कॉलेज दयाल सिंह, क्योंकि आज आकृति का ऑडिशंस और आकृति बेसिकली अवर फोटोग्राफी एंड फाइन आर्ट सोसाइटी। तो देखते हैं आज ऑडिशंस कैसे होते हैं और चलते हैं। इन कॉलेज और अब चलते हैं एनसी की तरफ, काम भी करना है। तो कॉलेज पहुंचते ही काम मिल चुका है स्टेज लेकर आने का। वाली स्टेज छोटी थी तो अब ये ले जानी पड़ रही है। कौन सी उधर है क्या? ओके दिस वन स्टेयर, ये रही एक ये रही, मुझसे बढ़िया इसे उठा के लाया अभी हम दो बंदे। तो गाइस एजेंसी रूम में ये दोनों काम कर रहे हैं। गाइस क्या बोला तूने? ओ यार मेरे पापा देखते हैं लोग। हाय पापा। अरे वाओ ब्यूटीफुल। वाली पूरी वॉल भी हम लोगों ने पेंट करी है, बहुत टाइम और कपड़े खराब हुए इसके चक्कर में, और ये पता नहीं किसने हमारा लोगो हटा दिया यहाँ से। ये वाली हमने पेंट करी है, हमने करी है नॉट मैंने, ये भी हमने करी है। स्पंदन सारी फाइव सोसाइटीज का कॉम्बो होता है स्पंदन, एंड दिस ऑल्सो टैलेंटेड तो है भाई हम लोग। फोटोग्राफी में फाइन आर्ट्स में आ रहा है क्या? फोटोग्राफी छोड़कर गाइस प्रिपरेशन साइड डन हो चुकी है, आपको दिखाते हैं कैसा व्यू है। सो ये फोटोग्राफी विंग का पिक्चर्स हैं, ये मेरी पिक्चर है और ये है घनशैली की, और ये रहा फाइन आर्ट्स का डेस्क। ये 3D मॉडल प्रिंस का, ये मॉडल इसका है। मीटिंग ओवर। This is anchor guys and this is my partner. Yeah. 1 hour later. Photography Society of Dayal Singh Evening College. I am Akshika Verma from Fine Art Wing. हमारे Fine Art में क्या दो wings हैं हमारे में, Fine Art and Photography. Fine Art Wing में क्या होता है? Different different kinds के medium use करे जाते हैं, जैसे acrylic, poster, different life, charcoal हो गया, sketching हो गई। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ये जो चार वॉल्स हैं, ये हमारी ही सोसाइटी ने सबने मिलके बनाई है, हमारे सीनियर्स ने। और हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं और वर्कशॉप्स होती है हमारी, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम बाहर दिल्ली में और दिल्ली के आउट भी जाते हैं। जैसे अभी हम रिसेंटली IIT गुवाहाटी से होके आए हैं और अब हम नेक्स्ट मंथ में IIT रुड़की जाएंगे। और कॉम्पिटिशन होते हैं ना कि सिर्फ का, एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि हम एक्चुअली आकृति में करते क्या है। फोटोग्राफी विंग में कुछ लोग आते हैं जो हमें फोटोग्राफी सिखाते हैं, हमारे सीनियर्स भी आते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स भी आते हैं,
जो हमें फोटोग्राफी का ब्रीफ देते हैं और हमें सिखाते हैं, चाहे वो कैमरा से हो चाहे वो फ़ोन से हो, हम दोनों चीज़ से सीखते हैं। पहली चीज़ ये फोटो वॉक्स, दूसरी चीज़ हम कॉलेज के अंदर ही फोटो वर्कशॉप रखते हैं जिसमें हम कॉलेज कैंपस के अंदर ही फोटो क्लिक्स करते हैं और फोटोग्राफी के बारे में और भी चीज़ें सीखते हैं, जिससे जो चीज़ नहीं आती वो कॉलेज के अंदर ही सीखता है, फिर उस चीज़ को एक्सेल करके हम बाहर फोटो वॉक्स पे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, थर्ड चीज़ आ जाती है हम अपनी कॉम्पिटिशन्स पे। हम वैसे तो हम अलग अलग कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते रहते हैं, उसके अलावा भी हम बाहर भी जाते हैं, जैसे IIT गुवाहाटी हो गया, IIT रुड़की हो गया। ये जो सारी आप फोटोज़ देख रहे हैं ये कुछ कॉम्पिटिशन के क्लिक्स हैं, कुछ फोटो वॉक्स के क्लिक्स हैं और फोटो वर्कशॉप के भी क्लिक्स हैं जो आपको इन सब चीज़ों में दिख जाएंगे। A few moments later. कुछ कहना चाहोगे? इस बार फाइन आर्ट्स वाले आए नहीं, हमारे को बहुत दुख होगा। मेरे साथ भी कोई आ जाओ यार, दोनों वाले आ जाओ भाई। ये फाइन आर्ट्स वाले तो आए नहीं है, हम पे तो है ही नो। भाई सन किस लिए बैठ रहे हो पता तो हमें भी है। मतलब तुम्हारा कोई भी तुम ज्योमेट्री काइंड ऑफ लाइन इन लाइन देख सकते हो, लाइंस मिलती रहनी चाहिए, स्क्वायर्स मिलती रहनी चाहिए, बहुत सारे कॉलेज में ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे ये जो कॉरिडोर है वहाँ से हम लोगों का एक सिमेट्री बन रहा है। और मिनिमलिज्म में वही हो गया, तुम्हें मिनिमम चीज़ दिखानी है लेकिन फोकस उस पर रखना है, ठीक है। बैकग्राउंड काइंड ऑफ क्लीन चाहिए होता है, माइक्रो भी टॉपिक नहीं है, बैकग्राउंड क्लीन चाहिए होता है, बीच में एक मिनिमल चीज़ जिस पर इंसान का फोकस है। तो तुम या तो मिनिमलिज्म कर लो, या तो ये तुम अपने प्रेफरेंस से देख लेना, या मिनिमलिज्म या फिर सिमेट्री, लेकिन पहला वाला दोनों का वही है। फोटो क्या करना है आपका, 11 बजे से शुरू है 12:30 बजे तक, और जो थीम है वो ओपन है। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ मीडियम, चारकोल, पेंसिल, वाटर कलर, एक्रेलिक्स और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको शीट्स प्रोवाइड हो जाएंगी और MFA में आपका ऑडिशन हो रहा होगा, और देन हम आपको प्री एलिमिनेट करेंगे जो 2 बजे से फिर आपका इंटरव्यू होगा 5 बजे तक। अगर आप इवन लाइन भी खींचते हैं तो अगर आप उसका एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छी तरीके से तो आपका हो जाएगा। तो गाइज बच्चे सारे अपनी कर रहे हैं ड्राइंग्स और फोटोग्राफर्स फोटोज़ ले रहे हैं, और हम यहाँ भी ANC साफ करने के लिए इकट्ठे हो रखे हैं सारे, एंड देन यहाँ पे ऑडिशन होंगे। A few moments later. So guys, उधर कॉम्पिटिशन है और यहाँ पर हम पेट पूजा करने आए हैं तुषार भाई के साथ। और अगर आपने पहले व्लॉग देखेंगे तो आपको पता होगा तुषार भाई है स्लो ईटर, अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहाँ पर 2 घंटे लगने वाले हैं। लंच करके आ चुके हैं, अब जा रहे हैं वापस ANC रूम में। पहले आप देंगे सबको, फिर जो बच जाएगी फिर सबको देंगे। A few moments later. तो वहाँ पर डांस सोसाइटी पता नहीं क्या कर रही है, जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। शेयर लीडर और व्हाट सौजन इज फुल एक्साइटेड। सो गाइस सुबह आए थे हम कितने बजे? 6:30 हो चुके हैं, ऐसी शक्ल हो गई है कि भिखारी भीख ना दे। तू ये बोलियो मुझे तो दे देगा। भिखारी भीख नहीं देता है बे, क्या बात कर रहा है। अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। देखो तेरे दिमाग हो गए तो ये सार्कास्टिक में है ना कि भिखारी भी भीख ना दे। मेटाफर, क्या बात, क्या बात। ऑन द शिवानी। चलो गाइस आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जॉइन स्टे ट्यून्ड। काफ़ी वेट करने के बाद अब ANC में शायद सारी ऑडिशंस हो गई हैं और प्रेसिडेंट रत्नाकर भाई हमें बुला रहे हैं।
चलते हैं फिर 6 बजे। 6 बजे कहाँ? अच्छा इसकी बात कर रही है, चले भाई बात कर रही है कि वो मोटा है। हाँ भाई चलो भाई चलो चलो गाइस। तो भाई अरे मैंने तो मैं बोला था बोला। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाइस सिंगर सर छोड़ भाई ऐसे फोन ऑन लेते हैं हम ऐसे डायरेक्ट ये सब। तो गाइस देखो सुबह से शाम हो जाती है कॉलेज में, ठीक है प्लस वन। और कोई काम नहीं होता है, कोई फन नहीं होता भाई कॉलेज वॉलेज में एडमिशन। मतलब क्या से दस ही बोलना भाई, अपनी सोसाइटी की बात कर रहा है, हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। भाई ये दूसरी माइनस वन है इस बात के लिए, हम दोनों सेम सोसाइटी के हैं। हाँ अपनी में बहुत फन होता है ब्रो। अच्छा हाँ इस फाइनली 6 बजे ऑडिशन हो गए, ओवर सब लोग बैठे। तो गाइस ऑडिशंस खत्म हो गए, मीटिंग वीटिंग सब खत्म हो चुकी है, अब जा रहे हैं मैगी पॉइंट, उसके बाद चलेंगे घर। गाइस मैगी वैगी खा लिए, अब चल रहे हैं मेट्रो की तरफ। सो गाइस फाइनली आई एम अबाउट टू रीच माय होम। सो इस व्लॉग को ये एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, डू लाइक कमेंट शेयर इफ यू लाइक दिस व्लॉग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।